सो हैलो टू ऑल डिफेंस एस्पेरेंट एंड वेलकम टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेरिंग फॉर एनी डिफेंस एग्जामिनेशन सो आज मैं आप सभी से बात करने जा रहा हूँ एस एस सी टेक्स सिक्सटी और थर्टी वन की लेटेस्ट जो भी अपडेट्स हैं जो भी स्टूडेंट्स क्वेरीज पूछ रहे हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर उन सभी के डाउट्स आज इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली क्लियर करने वाला हूँ सो so, आज मैं आप सभी को एस एस सी टेक सिक्सटी की और थर्टी वन फॉर वुमेंस के लिए जो एस एस सी डब्ल्यू है उसकी लेटेस्ट एस एस बी इंटरव्यू की ट्रिक्स क्या होनी चाहिए क्या लेटेस्ट अपडेट है और साथ में ही इसकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए क्योंकि अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कट ऑफ आउट हो चुकी है बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड मिल गए हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको एडमिट कार्ड अभी नहीं मिले हैं सो so वो फेस आउट कर रहे हैं प्रॉब्लम की कैसे उनको एडमिट कार्ड मिलेगा ये सारी डिटेल मैं आप सभी को आज इस वीडियो में बताऊंगा और एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि ऐसे सारे स्टूडेंट जो पहली बार एस एस करने जा रहे हैं क्या फर्स्ट अटैम्प्ट में एस एस कर सकते हैं तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्या ट्रिक्स आपको अप्लाई करनी है ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आपकी एंट्री से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं सो वो अपडेट्स आपसे मिस ना हो और इसी तरीके की गाइडेंस आपको अवेलेबल मिलती रहे इसके लिए आप गवर्नमेंट क्रैकर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए और अगर वीडियो से आपको कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं तो वीडियो को लाइक करिए तो वो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं आपके सारे क्वेरीज़ को सो so, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस आउट हो रही है कि एस एस टेक के एडमिट कार्ड उनको नहीं मिले हैं सो so, देखिए जो एस एस बी सेंटर्स हैं आर्मी के वो कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पर हैं उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है सो so, जैसे ही अवेलेबिलिटी उनको मिलेगी वो आपके रजिस्टर्ड ई के ऊपर आपको एडमिट कार्ड भेज देंगे इसके लिए आप गवर्नमेंट क्रैकर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको सारी की सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी इशू आपको आ रहा है तो सो गवर्नमेंट क्रैकर्स के प्लेटफॉर्म को आप अपनी क्वेरी सॉल्व करने के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं तो so, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कि अब उन्हें एस देने जाना है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी एस दे रहे हैं बट उनकी प्रिपरेशन नहीं है और वो किस तरीके से प्रिपेयर करें और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कम टाइम में कैसे प्रिपेयर करें तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको मैं अब देता हूँ सो देयर आर ट्वेंटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट इन एस एस बी ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो पहली बार एस एस बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मैं आपको बता दूँ कि आप इस डेलेमा में बिल्कुल ना रहें कि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो टोटल फाइव डेज़ का प्रोसेस है और फाइव डेज के प्रोसेस में आपका सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं होगा बल्कि मोर देन ट्वेंटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट यहाँ पर आपके कंडक्ट किए जाएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना चाहिए क्या आपने इन सभी ट्वेंटी टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया है अगर नहीं तो आप जानते हैं कि रिजेक्शन का मेन जो रीज़न है वो यही है क्योंकि हम एक कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं हमने इन सारे ट्वेंटी टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं किया है और हम सिर्फ कुछ टेस्ट जिनके नाम बहुत फेमस है जैसे कि एस आर टी वैट या फिर स्क्रीन इन में पी पी डी टी इन सब के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं और रेस्ट जो ट्वेंटी टेस्ट जो इनका पार्ट है वो आप प्रिपेयर नहीं करते हैं और इसके वजह से आप एस एस बी नहीं क्वालिफ़ाई कर पाते हैं सो दिस इज़ द रीज़न कि वाई ओनली वन परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू क्लियर द एस एस बी इंटरव्यू सो ये आपको समझने की ज़रूरत है सो so, अब मैं आपको डिटेल में सब कुछ समझाता हूँ कि किस तरीके से आप बहुत ही कम टाइम में इन सारे टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं सो so, ये गवर्नमेंट क्रैकर्स का एस इंटरव्यू का एक फुल कोर्स है यहाँ पर मैं कोर्स रिलेटेड भी बहुत सारी क्वेरीज आई हैं तो मैं एक ही बार में सारी चीज़ें कवर कर देता हूँ ये कोर्स डिटेल तो आपको पता चलेंगी ही बट इससे आपको एक स्ट्रेटजी भी पता चलेगी कि एक्चुअल में क्या प्रिपेयर करना है कैसे प्रिपेयर करना है किस तरीके से प्रिपेयर करना है क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या टिप्स होनी चाहिए सो इन शॉर्ट में अगर मैं सबसे पहले आपको यहाँ डिटेल में बताऊँ तो एक फिफ्टी प्लस डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं और यहाँ पर आपको 15 प्लस बुक का पैकेज मिलता है स्क्रीनिंग की क्रैकिंग स्ट्रेटजी मिलती है साइकोलॉजी स्ट्रेटजी मिलती है इंटरव्यू की स्ट्रेटजी मिलती है और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन मिलते हैं ये तो रहा गवर्नमेंट क्रैकर्स के पैकेज के बारे में अब इसी पैकेज को हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और यही आपकी स्ट्रैटेजी है सो so, यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर एस एस सी सिक्सटी और थर्टी वन का जो प्रिपरेशन होगा ना ये टोटल होता है फाइव डेज़ का यानी फाइव डेज़ का आपका पूरा एस का प्रोसेस है और हमने इस फाइव डेज़ को डिवाइड किया है फ़ाइव डिफरेंट लेवल्स में ठीक है सो so, जैसे ही कोई भी स्टूडेंट गवर्नमेंट ट्रैकर्स में आर्मी के एस कोर्स में एनरोल करता है सो so क्या होता है कि हम सबसे पहले उसकी डिटेल लेते हैं देन एक प्रिलिमिनरी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है हर स्टूडेंट के लिए चाहे आपने पहले एस एस बी अटैम्प्ट की है या आप पहली बार एस एस बी देने जा रहे हैं तब भी हम एक प्रिलिमिनरी टेस्ट कंडक्ट करते हैं और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में प्रोसेस रिलेटेड कितनी रिलेवेंट नॉलेज आपके पास है और इस बेसिस के ऊपर आपके लेवल डिसाइड होते हैं देन आप एंटर करते हैं फर्स्ट लेवल यानी फर्स्ट डे में इस फर्स्ट लेवल में हम क्या करते हैं कि हम आपको फर्स्ट लेवल यानी फर्स्ट स्टेज में होने वाले सारे वीडियो लेक्चर्स सारी बुक्स सारे टेस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस आपको प्रोवाइड कराते हैं जब आप इसमें कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन हो गई है सो हम आपका एक लेवल वन का टेस्ट कंडक्ट करते हैं जैसे ही आप लेवल वन को क्लियर करते हैं आप बढ़ते हैं लेवल टू में इस तरीके से आपका रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होता रहता है और सेम चीज़ आपको वीडियो लेक्चर्स बुक और सारी की सारी चीज़ें लेवल टू की अवेलेबल मिलती हैं आप जैसे ही लेवल टू में कॉन्फिडेंट फील करते हैं हम आपका एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं और इससे हम पता करते हैं कि आपका लेवल टू क्लियर हुआ कि नहीं और जैसे ही आप लेवल टू को क्लियर करते हैं आप लेवल थ्री में बढ़ते हैं लेवल थ्री का जैसे ही आप प्रिपरेशन करते हैं देन इसके बाद आप लेवल फोर में जाएंगे और फोर के बाद फाइनली आप जाते हैं लेवल फाइव में और जब आप लेवल फाइव में चले जाते हैं और आपने लेवल फाइव को कंप्लीट कर लिया है तो आता है सबसे मेन इसका इम्पॉर्टेंट लेवल जो कि होता है इंटरव्यू का सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट वर्कर्स आपको मॉक इंटरव्यू भी प्रोवाइड कराता है सो so, इंटरव्यू जो है वो आपका मॉक इंटरव्यू होगा और ये सारे के सारे इंटरव्यू में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो इन लेवल पे डिपेंडेंट होते हैं सो so, अगर आपने ये सारे लेवल कंप्लीट कर लिए हैं आप मॉक इंटरव्यू भी दे सकते हैं और इसके बाद भी आपके बहुत सारे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं सो so, यहाँ पर आप स्ट्रैटी समझ रहे हैं कि आपका लेवल आपको पता चल रहा है कि आप पहले तो कौन से लेवल पर स्टैंड करते हैं देन इसके बाद आप वन से स्टार्ट करते हैं वहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं देन इसके बाद आप लेवल टू में जाते हैं तो एक प्रोग्रेसिव वे में एक राइट right डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं ऐसा नहीं है कि कभी थ्री पढ़ लिया कभी टू पढ़ लिया कभी वन पढ़ लिया क्योंकि थ्री पढ़ने के लिए आपको टू की नॉलेज होना ज़रूरी है टू पढ़ने के लिए आपको वन की नॉलेज होना जरूरी है ये एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया हुआ एक पूरा का पूरा पैकेज है और दैट्स वाई जो गवर्नमेंट क्रैकर्स के स्टूडेंट होते हैं उनको एस इंटरव्यू क्लियर करने में काफ़ी हेल्प आउट होता है अब टोटल यहाँ पर अगर हम इसको शॉर्ट में समझें तो ट्वेंटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट के लिए सबसे पहले तो आप प्रिपेयर होते हैं इसके बाद आपके फाइव लेवल्स में आपकी प्रिपरेशन होती है और किस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअअप होता है क्योंकि जैसे ही आप लेवल क्लियर करते हैं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरे को ये लेवल समझ आ गया है अब मैं इस टेस्ट को क्लियर कर सकता हूँ और फाइनली आपका मॉक इंटरव्यू किया जाता है और सभी टाइम आपको लाइव एक्सपीरियंस मिलता है क्योंकि लाइव डाउट सेशंस आपके कंडक्ट किए जाते हैं आप लाइव अपने क्वेश्चंस कभी भी 24 फ़ोर इंटू पूछ सकते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कौन सी बुक पढ़े कौन से वीडियो लेक्चर्स होंगे कैसे पढ़ना है सो so, इसके लिए गवर्नमेंट ट्रैकर्स आपको आर्मी एस इंटरव्यू कोर्स प्रोवाइड करता है इसी कोर्स में मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था फिफ्टी डिटेल वीडियो लेक्चर्स होते हैं ये सारे लेवल वाइज लेक्चर हैं ये लेक्चर्स जो हैं इनको आप ध्यान से देखिए इसमें सारे लेवल वाइज जैसे ही आप क्लियर करते रहेंगे आपके सारे डे वाइज जितने भी क्वेरीज हैं सब क्लियर होती रहेंगी और जो ये बुक पैकेज है इस पर मैं अभी आपको डिटेल से समझाता हूँ कि कैसे ये आपको हेल्प आउट करेगा और स्क्रीकिंग स्क्रीनिंग की आपकी जो स्ट्रेटेजी है साइकोलॉजी स्ट्रेटेजी है वो सब कुछ अभी बुक से ही क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पर एक बुक से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं आप मार्केट में जाएंगे एस की कोई भी बुक्स लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको सिर्फ तीन चार किसी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए रहेंगे मान लीजिए हम वैट लेते हैं तो वैट के एक दो एक्सरसाइज आपको दी रहेगी और एक दो सॉल्व करके आपको दिखा दिया जाएगा बट यहाँ पर आपको क्या हेल्प आउट होती है कि यहाँ पर सबसे पहले तो ब्रीफ में आपको सारी चीज़ें समझाई हुई हैं वीडियो लेक्चर्स में भी समझाई हुई हैं और फाइनली आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए मिलती हैं सॉल्व भी मिलती है अनसोल्व भी मिलती है और यहाँ पर एक दो नहीं आपको 500, 600 सॉल्व मिलेंगी और 500 और 600 आपको अनसोल्व भी मिलेगी तो देख रहे हैं कितना एक्सटेंसिव आपको मटेरियल यहाँ पर मिलता है इस वजह से जो गवर्नमेंट क्रैकर्स के स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है तो so, इस बुक पैकेज को अगर हम ध्यान से देखें तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि किस तरीके से स्टेप वाइज सारी चीज़ें प्लान आउट है जैसे ही आपको आपका कॉल अप लेटर मिलता है आपको आपका एस एस बी सेंटर पता चलता है और उससे रिलेटेड इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चनस बनते हैं सो so, वो सारे सारे आप इस बुक से कवर कर सकते हैं आर्मी अपने डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो सीधे आपको आउट कर देंगे सो so, वो सारे के सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रिपोर्ट जो भी है वो सारी आपको इस बुक से कवर हो जाएंगी देन जो स्टेज वन होता है उसमें आपके दो रिटर्न टेस्ट होते हैं वो आप इस बुक से कवर करेंगे आपका जो टैट और पी पी डी टी टेस्ट होता है ये आप इस बुक से कवर कर लेंगे देन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और ग्राउंड टेक्निकल ऑफिसर जो होता है वहाँ पे आपके बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं वो सारे के सारे इस बुक में आपके कवर हैं देन यहाँ पर आपको 500 प्लस लेक्चर लेक्चरेट्स मिलते हैं 500 प्लस ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स मिलते हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज किस तरीके से ग्रुप में क्या ट्रिक्स अप्लाई करनी है कैसे आपको सॉल्व करना है जीपी ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं देन आर्मी के करंट अफेयर्स आपको यहां पर देखने को मिलती हैं और डिफेंस में जो मेडिकल होता है उसके क्या स्टैंडर्ड हैं ये सारी डिटेल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है और इंटरव्यू के ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जो कि एसएसबी इंटरव्यू में रियल टाइम में पूछे जाने वाले आज के जो क्वेश्चन इनमें एट्टी फाइव टू नाइनटी परसेंट क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं और अगर आप कुछ ऐसे रीजन से हैं कि आपको इंग्लिश बोलना उतना कंफर्टेबल नहीं है आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश बुक भी यहाँ पर इंक्लूडेड की गई है इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं डाउट सेशन आपको मिल रहा है वीकली असाइनमेंट मिल रहे हैं तो जब इस तरीके से एक प्लैंड स्ट्रक्चर्ड वे में आप प्रिपेयर करेंगे सो आप डेफिनेटली एस एस टेक को क्लियर कर पाएंगे अपने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अब आपके पास अगर ये क्वेश्चन है कि आपको ये सब कैसे मिलेगा सो कुछ नहीं करना है आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप को डाउनलोड करना है जो कि गूगल के प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है और वहाँ पर आपको आपके सारे मटीरियल वीडियो लेक्चर्स बुक सब कुछ मिलेगा किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर एक्सपर्ट और टेक्निकल टीम मिलेगी जो आपके चैट में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारा असेसमेंट मिलेगा गवर्नमेंट ट्रैकर्स वन ऑफ द प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स डिफेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी तरीके से डिफेंस को ज्वाइन करना चाहते हैं और वो अपने अंदर एक जुनून रखते हैं कि उन्हें डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना है हम उन सभी की हेल्प करना चाहते हैं उन सभी को हेल्प आउट करते हैं कि वो अपने ड्रीम लाइफ को जिये और जल्दी से जल्दी अपनी फेवरेट फोर्सेस को ज्वाइन करें चाहे वो आर्मी हो एयरफोर्स हो या नेवी हो सो so, आप हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए गवर्नमेंट ट्रैकर्स के चैनल को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आप सभी की क्वेरीज को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे आप सभी की सारी प्रॉब्लम जो भी आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प आउट करने में हम कर सकते हैं हम कंट्रीब्यूट करेंगे और हर बेस्ट प्रैक्टिस आप सभी के लिए ले करके आएंगे ताकि सबसे अच्छी प्रिपरेशन आपकी रहे और आप जाएं और अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपनी एस को क्लियर करें सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिली होगी कि किस तरीके से एक्चुअल में प्रिपरेशन करनी है सो so, मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी आप सभी से एक और वीडियो के साथ आपकी एंट्री से रिलेटेड बहुत सारी जो अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल पर अपडेट होती रहेंगी सो so, आप सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स के यूट्यूब चैनल को और ऐप को डाउनलोड करिए वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी आप सभी से एक और बार टिल नाउ जय हिंद टू एवरी